आरोप नंबर एक कि चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की वजह से चुनावी तारीखों में मतलब वोटिंग और काउंटिंग के बीच में इतना फासला रखा है। दूसरा, आपके नेताओं के गाली गलौज का आरोप दोनों लगा रहे हैं और सबके सामने है, तो आप क्या गाली गलौज पर दूसरे को खींच रहे हैं? झूठ बोलने के मामले में एक बड़े मियां है, एक छोटे मियां है। मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से झूठ बोलते हैं। बोलते हैं कि 10-12 साल पहले का डॉक्टर्ड वीडियो था। अरे 10-12 साल पहले तो प्रधानमंत्री नहीं थे, 8 साल पहले बने। तो क्या गोपाल इटाले को पहले ही सपना आ गया था और इसीलिए गुजराती में जो वीडियो में बोल रहा है बड़ा प्रधान, तो तब उनको 12 साल पहले सपना आ गया था कि प्रधानमंत्री बनने वाले, तो मैं पहले से गाली दे दूं? मतलब झूठ बोलना है तो सोच समझ कर झूठ बोला करे। दूसरी बात, राजेंद्र पाल का भी वीडियो डॉक्टर था क्या? अरे मैं कृष्ण भक्त हूं, मैं कान्हा हूं, मैं तो बहुत बड़ा हनुमान जी का भक्त हूं। और जो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश राम जी कृष्ण जी में विश्वास मत रखो, उनको पार्टी से अभी तक निकाला नहीं है, केवल उनको इस्तीफा देने पर मजबूर किया है। और बताइए, ये वो पार्टी है जिसने स्वस्तिक के चिन्ह को किस प्रकार से अपमानित तरीके से ट्वीट किया है? ये वो पार्टी है जिसने कहा कि राम मंदिर नहीं जाना है? नानी ने बोला है तथाकथित मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया गया है इसलिए हम मंदिर नहीं जाएंगे। ये वो पार्टी है जिसने कश्मीरी हिंदुओं के नरसिंहा खड़े होकर, ये आप तो खटमल खटमल बोल रही थी, ये भाषा की टीचर आ गई, ये भाषा की टीचर अभी मुझे खटमल नारंगी खटमल कह रही थी। अब भाषा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ इनका निकाह है, इनका निकाह है, जैसे मैंने आम आदमी पार्टी को अटैक किया ये शुरू हो गई। ये दोनों की आप समझ रहे ना, वो समझ रहा है ना, इलू इलू चल रहा है इन दोनों का, दोनों का इलू इलू, इलू इलू मतलब पार्टियों का इलू इलू चल रहा है। देखिए, अरे भाई आपका स्तर तो छोड़ ही दीजिए ना। अब देखिए अंजना जी, उनको पूरा कर दीजिए, आप ही कहिए, आप ही की बारी। मैंने बोला अंजना जी, मैंने इनके बीच में नहीं बोला, आप भी खटमल खटमल कर रही थी ना राधिका जी। आप बोलिए, आप भगवे रंग को क्यों गाली देती है? झूठ बोलते हैं अंजना जी, राधिका जी आपकी बारी, सबसे ज्यादा बोला जनता। मैं क्या अपनी बात रख सकता हूँ क्या? मैं अपनी बात रख सकता हूँ क्या? आप बोलिए, हाँ अंजना जी, मैं अपनी बात रखने समय पर रखे, कोई समस्या नहीं, मेरी बड़ी बहन है, मैं उनको कहा मना कर रहा हूँ, मुझे अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद आम आदमी पार्टी की भी बात वही रखे, कोई समस्या पूरी कीजिए। मैं बड़ी बहन नहीं हूँ। अरे भाई, मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आप ऐसा है, आप देशभक्तों की बहन नहीं हो सकती, आप अफजल और याकूब की बहन बन जाओ, कोई समस्या नहीं। आप याकूब की बहन, चलो अब मैं देखो, एक सेकंड राधिका जी, अंजना जी हाथ जोड़ रहा हूँ, अंजना जी हाथ जोड़ रहा हूँ मैं, राधिका जी, राधिका जी नहीं, नहीं नहीं, आपने बीच में इंटरप्ट किया, मैं तय कर रही हूँ ना, मुझे तय करने दीजिए, नहीं तो आप यहाँ आ जाइए, आप यहाँ आ जाइए, नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप दोनों बोल रहे हैं, आप दोनों बोल रहे हैं, पूरा कीजिए। पार्टी संभल नहीं पा रही, एंकरिंग संभालने चले, बताइए पार्टी संभालो पहले अपनी। अरे शहजाद जी पूरी कीजिए बात, देखिए मैं सीरियस पॉइंट पर सीरियस बातें करना चाहता हूँ। आज मैं चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी के साथ परफॉर्मेंस पे बात हो ही जाए। मैं आपको बताता हूँ पिछले 8 वर्ष में हमारी गुजरात की सरकार ने क्या किया है। 13% जो गर्ल बच्चियों का लिटरेसी रेट है उसमें बढ़ा हुआ, 30% स्कूल ड्रॉपआउट रेट कम हुआ, 22% ड्रॉपआउट रेट प्राइमरी में हुआ करता था वो आज 1.5% हो चुका है। 8 वर्ष में हमने 1.5 लाख से ज्यादा विद्या सहायक को अपॉइंट किया है, इन्होंने 22,000 को निकाला है, हमने 75,000 क्लासरूम, 50,000 टॉयलेट, 13,000 कंप्यूटर क्लासरूम में दिए हैं, हमने कॉलेजेस 775 थे, हमने 3,000 से ज्यादा कॉलेजेस बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेज 26 से 133 बनाए, मेडिकल सीट 1300 से 5,700 बनाए। अब मैं इनसे पूछा जाता है, इन्होंने बोला था कि हमने 20 नए कॉलेज बनाएंगे दिल्ली में 8 वर्ष में और 7 नए अस्पताल 6 महीने में बनाएंगे। मैं बाकी कुछ नहीं चाहता, बस जनता को बता दो कि 20 नए कॉलेजेस में से 5 कॉलेज के नाम बता दो। ठीक है, 5 कॉलेज के नाम बताएंगे, लेकिन पहले राधिका बताइए। ठीक है, मेरे को समय मिल गया। नहीं नहीं, इनको बोलो, संदीप झा को बोलो, धन्यवाद सबका, बहुत समय दिया, संदीप झा से पूछ तो लीजिए और आपका भी, नहीं उसके बाद पूछूंगी। ठीक है, कोई समस्या, बड़े अच्छे आपने आंकड़े गिनाए। ये भी बताइए कि कितने महीने से ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग करते हुए कर्मचारी सड़कों पे बैठे हुए हैं और आपकी सरकार उनको जवाब देने का तभी समय है। राज्य में लागू कर दिया शहजाद जी, प्लीज अब इन्हें को बुलवा लीजिए, मैं चली जाती हूं, इनको अपनी दवाई की गोली करनी लगती है, बुलवा लीजिए, कंटीन्यूअसली बोल रहे हैं, जैसे इनसे पूछेंगे कि 3-4 महीने हो गए ओपीएस, फिर ये बकवास करेंगे, फिर मैं बोलूंगी अंजना जी, मैं बाइक उतार के चली जाती हूं, प्लीज प्लीज, दिस इज नॉट द वे, संतुलित तरीके, दिस इज नॉट द वे, अपने आप को डॉक्टर को दिखाइए कि किस तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं। चलिए मैं दिखाऊंगा डॉक्टर को, पर आप क्यों शहजाद, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ शहजाद जी, प्लीज मुझे तो चिंता, आप मत चिंता कीजिए, आप अपनी और पार्टी की चिंता कीजिए, आप मत कीजिए चिंता की, देश को कांग्रेस की चिंता है, प्लीज शहजाद जी, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, चिंता को प्लीज, मेरा भी हाई नहीं होता, चिंता देश की करिए, जो नौजवान है जिनको 2 लाख नौकरी हर साल देने का वादा किया था उनकी करिए, जिनसे आज आप 5% और 18% रोटी के ऊपर टैक्स ले रहे हैं उनकी करिए, जिनसे आप GST ले रहे हैं पैदा होने से लेके मरने तक के कफन के ऊपर उनकी चिंता करिए, जो आपने वादा किया था किसानों की आय दुगना करने का और किसान 2 साल तक सड़कों पर बैठा रखा उसकी चिंता करिए, मेरी चिंता मत करिए, मेरी चिंता करने के लिए सब है, ये चिंता करिए। अब आते हैं बात पर, ये बार बार कह रहे हैं, फिर बोलूंगी, ओपीएस स्कीम को लेकर कई महीनों से
सरकारी कर्मचारी हिमाचल में सड़कों पे बैठे, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास ओ माय गॉड करके भाषण देने के लिए जाके अलग अलग समय है, लेकिन वहां के कर्मचारियों को जवाब देने का समय नहीं है। फिर ये बात करें, चलिए बताइए कितने हजार करोड़ का डेट है हिमाचल में, बताइए आप आंकड़े लेकर आए ना, पूछिए इनसे कितने हजार करोड़ का डेट है बीच में, पूछिए ना, आशा पूछिए, पक्का आप गुस्सा तो नहीं करेंगे कि टाइम ज्यादा दे दिया, पूछिए क्योंकि उनसे पूछे वो फिर बोलना बंद नहीं करेंगे, नहीं फिर मैं आ जाऊंगी बीच में, आ जाएंगे बीच में, पक्का बताइए कितने का डेट, चलिए बताइए जो भी डेट है वो इन्होंने छोड़ के गए हैं और इसीलिए आज हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी, अरे भाई हिमाचल सरकार का 70,000 करोड़ का डेट है और इनके मुख्यमंत्री, अच्छा एक काम करिए 2017 में कितना था बता दीजिए, 2017 का आंकड़ा भी बता दीजिए ना, 2017 का आंकड़ा बता दीजिए, 2017 का डेट का आंकड़ा नहीं पढ़ के आई है, 2017 में भी उतना ही था बताइए, एक 70,000 करोड़, तो 5 साल से आपकी सरकार चल रही है ना, 17 नेहरू सब वहीं पे ले जाइएगा, अंजना जी 5 साल से आपकी सरकार है ना, अच्छा बताइए कितने, बहुत अच्छा सवाल है, मैं जवाब तो दे दूं, मैं जवाब तो दे दूं भाई, जवाब तो दे दूं मैं, अच्छा आपको सवाल, मैं बच्चों के सवाल लेना भूल गई, कौन कौन सवाल पूछेगा, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, छोटा सा जी जवाब दे, आपको भी कॉलेज 5 कॉलेज के नाम बताने हैं, हम कभी ये नहीं कह रहे, पर एक सेकंड आपको, अगर हमारा परफॉर्मेंस समझना है तो हमसे पहले जिनका परफॉर्मेंस था, जैसे 11वें स्थान पे इकॉनमी हुआ करती थी, आज 5वें स्थान पर है, अरे भाई क्या तरीका है, 11वें स्थान पर हमारी इकॉनमी हुआ करती थी, आज 5वें स्थान पर है, आज IMF ने कहा है कि लार्जेस्ट ग्रोइंग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, आज हाइएस्ट FDI है या नहीं है, आज हाइएस्ट एक्सपोर्ट है या नहीं है, आज हाइएस्ट नंबर ऑफ यहाँ पर हमारे पास जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, गुजरात 28वें नंबर में है आखिरी पैदान, राजीव गांधी फाउंडेशन की रिपोर्ट थी कि सबसे विकसित राज्यों में अगर कोई शुमार है तो गुजरात की सरकार है, गुजरात का रिपोर्ट है, बताइए क्या राजीव गांधी फाउंडेशन गलत है, राजीव गांधी फाउंडेशन गलत है, अच्छा लेट क्यों है गुजरात के चुनाव 7 अनाउंस क्यों नहीं हुए बताइए, आपको उनसे भिड़ने में भी मजा आता है, फिर मुझे भी कहती है चुप कर दीजिए, मुड़ मुड़ के उन्हीं से बात करती रहती है आप राधिका जी, मुझे तो एड्रेस कीजिए, मुझे एड्रेस कीजिए, ऐसा अंजना जी कम से कम पपेट की बात चलिए तो खड़गे जी का नाम मुझे याद आ रहा है, ठीक है रुक जाइए, पपेट की बात चलिए तो खड़गे जी मेरे सामने आ रहे हैं।